हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है एंड बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब फॉर एवर हो गए सो डोंट बी कंफ्यूज इस वीडियो में बात करने वाले कल की डेट में आ, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आए थे और कुछ कंपनियों के रिजल्ट काफी बेहतरीन आए थे तो उनसे रिलेटेड हम बातें कर लेते हैं देख लेते हैं उनके रिजल्ट कुछ ऐसी कंपनी होगी जिनके बारे में आपने शायद ना सुना हो तो उनके ऊपर स्टडी करना अगर नंबर अच्छे है तो ऑब्वियसली बात है उनके ऊपर स्टडी करना काफी बेहतरीन रहता है तो एक रिजल्ट से आइडिया मिल जाएगा इसके अलावा एक अलग वीडियो भी डेफिनेटली बनाएंगे और पता करेंगे कंपनी करती क्या है एग्जैक्टली एज वेल एग्जैक्टलीज कंपनी का फ्यूचर किस तरीके से तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस मिलती रहे और अभी रिसेंटली एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है एम टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑलरेडी अगर बात करें दिन दिन पहले वीडियो वीडियो बनाई थी अच्छे खासे 10 से भी भी ज़्यादा के 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 रिटर्न रिटर्न हमें दस दिन के अंदर अंदर मिल मिल गए और इसी तरीके आगे भी मिल जाएंगे इसमें इस, में, इस वीडियो को हम तो तो बातें कर रहे न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ओके न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो आई डोंट थिंक सर इसने कोई डिविडेंड दिया है और डिविडेंड से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और हम यहाँ पर इसके रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा ये इसके रिजल्ट है अगर बात करें इसके रिजल्ट इन रुपीज लैक्स में है ये ये इस बार के के क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट है, लास्ट चौदह तो तो चार सौ बावन तो अगर बात करें ईयरली बेस में यहां पर गिरावट नजर आ रही है टोटल इनकम में बट इतनी भी ज्यादा गिरावट नहीं है बट ईयरली बेस पर अच्छी खासी गिरावट है अगर बात करें टोटल एक्सपेंस की तो पिछनवे सौ नब्बे ओके पहले पहले तो इन्होंने खर्चा भी यहाँ पर दे देखिये तो सत्ताइस दो हजार सात सौ पैंतीस लैक्सेंट रुपीज का प्रॉफिट है इससे पहले दो लाख दो था इससे पहले दो तो ईयरली बेस पे स्टिल यहाँ पर गेरावट है ओके okay, बट बात करें क्वार्टरली बेस पे तो क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आ रही है इट इज जस्ट बिकॉज यहाँ पर टोटल एक्सपेंस इन्होंने काफी कम कर दी है तो अगर बात करते हैं कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे है इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ईपीएस नौ रुपये बयालीस पैसे का ईपीएस है इससे पहले आठ रुपए पचपन पैसे का इससे पहले नौ रुपए उनहत्तर पैसे का यहाँ पर ईपीएस हुआ करता था तो आइए और आगे जान लेते हैं दूसरी कंपनी तो जानते हैं तो देखिए यहाँ पर आर वी एन लिमिटेड इस कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं

तो यहाँ पर देखिए पांच हजार पांच सौ अस्सी पर रेवेन्यूजार नौ सौ चौबीस ने काफी अच्छा किया है रेवेन्यू वाइज एक्सपेंस की बात करते हैं एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अभी इस बार है पांच हजार तीन सौ पचास इससे पहले चार हजार सात सौ तेईस इससे पहले पांच हजार अड़तालीस तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और पीरियड होता है और एक होता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर तेरासी हाँ तो तो well पैसे का ईपीएस का एक रुपए सात पैसे का इससे पहले था और एक रुपए उनचास पैसे इससे पहले था तो ईयरली एज वेल एस क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा कंपनी का नाम है आरवी एंड कॉन लिमिटेड तो इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो आपको डेफिनेटली मिलेगी तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं वीनस वीनस यहाँ पर एक कंपनी है इससे रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दिया अगर यहाँ पर बात करें अः यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर इनके रिजल्ट दिखाई दे देंगे तो अगेन यहाँ पर देख लीजिए इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है ओके तो अगर बात करें टोटल इनकम की तो एक हजार एक सौ अड़तालीस मिलियन रुपीज से पहले एक हजार दो सौ सैंतीस से पहले आठ सौ चुम्बाली तो ईयरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया और मोस्टली ईयरली वाइज ही देखते हैं बट क्वार्टरली वाइज और आ जाए तो सोने पे सुहागा कहते हैं वही होता वो हो, नजर आता है तो इनकम यहाँ पर अच्छी है एक्सपेंस uh, की बात करें एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ग्यारह सौ बहत्तर सौ रुपीज इससे पहले ग्यारह सौतालीस इससे पहले आठ सौ एक तो एक्सपेंसिव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टरली ईयरली वाइज और बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो तीन सौ इक्यावन लैक्शन मिलियन से रुपीज से पहले एक सौ सोलह इससे पहले कंपनी घाटे में थी तो कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है और बहुत अच्छे प्रॉफिट में आई है और ईयरली वाइज में पर कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आई है जो कि अच्छी बात है तो यहाँ पर कंपनी की तरफ नजरें बना के रखिएगा ये सारी कंपनी जो नजरे बनाकर रखी गए जिन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट दिए कल की मंडे की डेट में शायद और भागती हुई दिखाई थी अट्ठाईसो रुपए पैंतालीस पैसे का ईपीएस है इससे पहले नौ रुपए का ईपीएस है इससे पहले बात करें तो नेगेटिव में चार रुपए का ईपीएस था तो कंपनी का नाम क्या है विनस विनस एंजॉय इनोवेशन तो अगर बात करें और आगे तो क्यूस्ट विनिंग टुगेदर तो यहाँ पर एक कंपनी है इसके रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो आई डोंट थिंक इन्होंने कोई डिविडेंड uh, दिया है। दिया होगा तो नीचे डेफिनेटली मुझे बताइएगा यहाँ पर थोड़ा नीचे आ है जाते हैं तो दोबारा यहाँ पर इनके रिजल्ट दिखाई देंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके रिजल्ट है इन मिलियंस में है और यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए टोटल इनकम तो तीस हजार बट पर अच्छी खासी जंप है तीन सौ चौरासी इससे पहले सत्ताईस हजार उनतीस हजार तो एक्सपेंस ईरली क्वार्टरली वाइज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिसका फर्क सीधे प्रॉफिट पर पड़ेगा तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करते हैं तो कंपनी पांच फाइव एटी टू मिलियन से रुपीज का लॉस किया है इससे पहले अगर बात करें सौ पचपन से रुपीज का प्रॉफिट था इससे पहले बात करें तो बासठ सौ निन्यानवे से रुपीज का यहाँ पर घाटा था तो ये सब चीज को आपको देखना होगा तो कंपनी से दूर रही है

सॉरी नौ लाख बत्तीस हजार छह सौ साठ लैक्सिंग रुपीज से पहले दस हजार दस हजार बावन तो इंटरेस्ट यहाँ पर घटता हुआ नजर आया है टोटल इनकम की बात करें ग्यारह हजार सैतीस से पहले बारह हजार इकतीस सेयरली क्वार्टरली टोटल इनकम घटती हुई नजर आई है अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस की तो नौ हजार दो सौ नौ हजार अट्ठाइस सॉरी नौ लाख अट्ठाईस अट्ठाईस हजार एक बार दोबारा से देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखते हैं टोटल इनकम तो ग्यारह लाख सैंतीस हजार है इससे पहले बारह बारह लाख इकतीस हजार थी इससे पहले बारह लाख इक्कीस हजार हैड़तालीस सैंतालीस था इससे पहले नौ लाख छप्पन तो एक्सपेंस कंपनी ने कम कर दिया जो कि अच्छी बात है ये इसका ही सीधा इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर अगर हम देखें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पर देखिए पच्चीस हजार का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया लेक्सिन रुपीज यहाँ पर चौवन चौवन हजार बहत्तर प्रॉफिट है इससे पहले कंपनी बैंक यहाँ पर घाटे में थी तो ईयरली वाइज तो अच्छा परफॉर्मेंस है क्वार्टरली वाइज यहाँ पर थोड़ा सा घाटा दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ प्रोविजनिंग तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी ने क्या प्रोविजनिंग एंड कंटिन्यूएंस यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यूएंसीज तो यहाँ पर कंपनी ने बैंक ने एक लाख तिरासी हजार रुपए का ओके okay, पर एक लाख तिरासी हजार तो दिया है, ये एक अच्छी बात है इस बैंक के लिए और बात करते हैं यहाँ पर ईपीएस की तो यहाँ पर देखिए सॉरी एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर एनपीएस भी नहीं दे रखे राइट हम्म एनपीएच बी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे और कंसोलिडेट रिजल्ट देखने हैं तो यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट भी दे रखे इसे भी आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ इनको लॉस हुआ है घाटा हुआ है एक मिनट तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राइस फॉर द पीरियड प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज यहाँ पर देखते हैं तो ये ये वाला कॉलम है तो अगर देखते हैं यहां पर सेम लग सेम लगभग ही नजर आ रहा है सत्ताईस तो देखने पड़ेंगे यहाँ पर एनपीएस के रिलेटेड यहाँ पर डेटा देखिए यहाँ पर दे रखा है अगर यहाँ पर एनपीए का रेशियो देखते हैं ओके तो यहाँ पर देखिए एनपीए अमाउंट ऑफ ग्रॉस नॉन एनपीए तो यहाँ पर देखते हैं तो

भारत फोर्स के रिजल्ट इसके जो जिस तरीके से प्राइस बढ़ा था आपको पता ही है आ, उसी तरीके से इसके रिजल्ट भी आए हैं अगर बात करें डिविडेंड की दो रुपए का यहाँ पर फाइनल डिविडेंड दिया है जो कि आपको अगर बात करें मीटिंग्स वगैरह होने के बाद ही मिलता हुआ नजर आएगा कम से कम दो महीने का टाइम डेढ़ से दो महीने का टाइम लेगा और अगर इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है बात करें तो यहाँ पर टोटल इनकम देख लीजिए तेरह हजार तीन सौ तिरानवे लैस रुपीज से पहले दस हजार नौ हजार एक सौ छब्बीस तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर अच्छी खासी जंप है एक्सपेंस की बात करते हैं टोटल एक्सपेंस ₹ 10,625 से पहले ₹ 9,440 से पहले ₹ 8,970 तक एक्सपेंसिव बढ़ते हुए नजर आए और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर इन द ईयर तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो ₹ 9,000 सॉरी ₹ 2,000 41 इन रुपीस का प्रॉफिट हुआ है

तो इस सारी मोस्टली सारी कंपनी ने ही अच्छा रिजल्ट पेश किया है बैंक ऑफ भारत फोर्ज ने अच्छा किया है बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ा सा दूर रहना है बट अच्छा जिस तरीके से थीम चल रही है एक गवर्नमेंट पी, बैंक की तो उस तरीके से ये भी भक्त दिखाई देगा क्यूस्ट कॉर्प की बात करें तो क्यूस्ट कॉर्प में भी आई थिंक अच्छे सॉरी इससे दूर रही है क्यूस कॉर्प से बाकी ये जितनी भी कंपनी है वीनस एज वेल एज अगर बात करें आरवी और बात करते हैं यहाँ पर यह दूसरी कंपनी क्या नाम है इसका एक मिनट दीजिए मुझे ये न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर तो ये भी इसने भी ठीक ठाक यहाँ पर रिजल्ट पेश करे है। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल इन्वेस्ट फोरा को सब्सक्राइब करे शेयर करे फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस